शेयर बेटा, थोड़ा सा ठंड है अभी भी। हाँ दीदी, नमस्ते दीदी। नमस्ते गुड़िया। सो मैंने रिवाइज किया दीदी, और मेरा टेक अवे था कि ये जो राग अनुराग की जो जर्नी है, राग से अनुराग जाने की जो जर्नी है, उसमें आपने जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा कि जब भगवान से मांगो, अटैचमेंट भी करो, राग भी करो, तो उन सब से करो जो आपको नेक्स्ट लाइफ में चाहिए। एंड जैसे ही आपने कहा ना कि अपनी मृत्यु भी डिसाइड करो कि कैसे जाना है इस जीवन में, आई लिटरली स्टार्टेड क्राइंग। एंड मतलब इट्स लाइक अ लॉट ऑफ पीपल इन माई लाइफ हु पास्ड अवे, एंड आई रियलाइज दैट हाउ दे हैव एक्चुअली मटीरियलाइज देयर डेथ, लाइक दे विश। एंड आई फेल्ट, मतलब आई गॉट गुड्स बम्प कि हाउ माई पेरेंट्स डिसाइडेड हाउ दे विल पास अवे। सो लाइक माई फादर पास्ड अवे इन काशी, ही गॉट क्रीमेटेड इन हरिश्चंद्र घाट, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। माई मदर ऑल्सो डिसाइडेड हाउ शी विल गो, शी ऑलवेज वॉन्टेड टू गो नेक्स्ट टू मंदिर। तो वो मेरा बेस्ट ये कवि था कि राइट राग होना चाहिए, योगा मैट हो, एक्सरसाइज हो, फिटनेस हो, अपनी वैदिक स्वर की किताब ही क्यों ना हो, और डेली साधना हो, उन सब से अनुराग करें कि हम एटलीस्ट नेक्स्ट जीवन में ये सब तो हमें मिले, हमें अच्छे संस्कार मिले, इंडिया में जन्म मिले, सनातन धर्म मिले, और हम अपनी जन्म भूमि से एकदम अटैच रहे, और सही गुरु मिले। और यही है, ये मेरा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टेक अवे था। फिर आपने बताया, फिर वो स्टार्टिंग में तो था ही कि संतों की कहानी से, जितने हम संतों की कहानी सुनेंगे, भक्तों की कहानी सुनेंगे, हम दीन बने रहेंगे, और हम शायद हमारे हम माइनस में चला जाए, हमारा ईगो एकदम लिटरली खत्म हो जाएगा। एंड सो ये मेरा मेजर टेक अवे था दीदी कि क्या मांगो, तो ये मांगो कि हाँ नेक्स्ट जन्म में अगर विजुअलाइज करना है, और ये जो अब आपने कहा ना कि अगर राग एकदम खत्म हो जाएगा, तो हम जो बूढ़े लोग होते हैं, वो अगर उनकी डिजायर खत्म हो जाएगी, तो वो दे वेट फॉर देयर डेथ। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर यंगस्टर्स और फॉर एनी ह्यूमन बींग। For any human being, but haven't you seen youngsters who are very suicidal? You work with young children. There are even in the yoga class, I have one person who has like marks all over her wrist. कितनी बार तो उसने ट्राई किया होगा, कितनी बार हॉस्पिटल गई होगी, पूछना ही बेकार है ना। तो राग अगर जिंदगी से खत्म हो जाए तो जीने का कोई मतलब नहीं है। लोग कभी कभी जब पढ़ाई में मार्क्स अच्छे नहीं आते तो सुइसाइड कमिट कर लेते हैं, या कोई प्यार जिससे करते हैं वो ना मिले तो सुइसाइड कमिट कर लेते हैं। तो राग और जीवन दोनों चीज, राग यानी कि अटैचमेंट, अटैचमेंट एंड लाइफ हैव अ डीप डीप सीटेड कनेक्शन। तो राग छोड़ना कोई जरूरी नहीं है, उसको परिवर्तित करना, उसको रिफाइन करना, उसको बेटर एंड बेटर थिंग्स दैट यू आर अटैच टू विल बी अ गुड आइडिया। प्यार तो होना चाहिए, रस होना चाहिए लाइफ में, प्यार तो होना ही चाहिए, राग तो होना चाहिए, डिजायर तो होना चाहिए। अच्छा, एक घर बन गया तो घर बन गया भगवान, पर आपके रहने के लिए मंदिर नहीं बना, मंदिर बनाऊंगा अगला। चार कमरे का मेरा ये छोटा सा घर बना, इसमें तो आपको कहाँ रखूं, पूरा मंदिर बनाऊं। राग तो जरूर होना चाहिए। वेरी नाइस दीदी, तो मुझे वो सुन के बहुत अच्छा लगा। और मैंने तब और मेरी तो डिजायर्स खत्म ही नहीं होती, तो मैंने लंबी चौड़ी लिस्ट बना ली अपने लिए। अच्छा, अगले जन्म के लिए पूरी लिस्ट बनाई हुई है ना अभी तो? हाँ, अभी थोड़ी छोटी बनाई है, इतना डीपली थिंक नहीं किया, पर हाँ अब लिस्ट बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इफ यू अटैच योर सेल्फ टू द राइट थिंग्स, देन यू हैव हाई प्रोबेबिलिटी यू विल कम बैक विद देम, हाई प्रोबेबिलिटी। अब अगर सचिन सारे टाइम अपनी बीवी को ही सोचता रहेगा तो हाई प्रोबेबिलिटी शील कम बैक नेक्स्ट टाइम ऑल्सो, गोइंग बी द सेम एग्जैक्ट सेम। देखो, नाउ आई हैव बेटर थिंग्स टू डू इन माय लाइफ, आई डोंट थिंक अबाउट हर टू मच। नो, बट दिस इज लाइक यू नो व्हाट एग्जैक्टली खुशबू हैज मेंशन, लाइक यू नो हम लोग जो लास्ट इम्प्रेशंस रखते हैं
दैट कम्स बैक. लाइक मैंने भी सुना है, इतना मुझे नहीं पता, बट आई प्रॉब्ली यू नो अलाउ यू टू स्पीक मोर ऑन दिस. लिस्ट तो एक चीज हो गई है, बट जैसे जैसे लोग मोमाया छोड़ते रहते हैं आगे, एंड पीपल हैव गेट इन टू दिस भागवत मार्ग और पूजा पाठ साधना, तो आई डोंट नो वेदर दे'ल काइंड ऑफ यू नो कम टू द नेक्स्ट लाइफ इन द सिमिलर फैशन, और या जो ज्यादा इंप्रेशंस लेके वो है, मतलब आई डोंट नो. आई हर्ड कपल ऑफ, मैंने कुछ थोड़ा बहुत रीड किया, वीडियोस देखे थे, तब मेरे को पता चला. तो जो लास्ट इंप्रेशंस लेके जाते हैं वही होता, तो आई डोंट नो उसका पीरियड जो कितना होता है लास्टिंग लास्ट. इम्प्रेशंस लेके जाते हैं ना, वो ही साथ में रहता है. नॉट हाँ लास्ट इम्प्रेशन, लास्टिंग इम्प्रेशन, अच्छा, लास्टिंग जो इंप्रेशन. जो आपने सबसे ज्यादा याद किया, जो आपने सबसे ज्यादा स्टडी किया, जो आपने सबसे ज्यादा डिजायर किया, वो वापस आएगा. जो लास्टिंग, जो मतलब यू इमेजिन योर माइंड एज अ रिवर एंड दिस मटीरियल बॉडी एज द लैंडस्केप. सो जहां से रिवर गुजर रही है, बार बार गुजर रही है, वहीं से गुजर रही है, जहां कैविटी बन गई, वो वापस आएगा. वो वैली आपको वापस मिलेगी. तो वो उसको ट्रेन करना बहुत जरूरी है कि आप कौन सी वैली रखना चाहते हैं और कौन सी छोड़ना चाहते हैं, है ना. जैसे इस श्रेणी में पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि गुरु को पकड़ लो. एक गुरु को पकड़ लिया तो गुरु जहां जहां जाएगा उसके पीछे पीछे पहुंच ही जाओगे, तो कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है. हाँ, ब्रिलियंट स्टूडेंट सेट, गुरु को पकड़ लो. दीदी, हम तो आपको पकड़ के आ जाएंगे. मैंने कहा, इंडिया में कैसे वापस आओगे, इंडिया के बारे में ठेंगा भी नहीं पता. तो बोले, नहीं, आपको पकड़ के आ जाएंगे, मैं तो पक्का यहीं रहूंगी. तो ये किसी अच्छी चीज को पकड़ लो, उसी के बारे में गहन चिंतन, उसी के बारे में सोच, उसी, ये जो मन है, उस मन को जिधर लगाओगे वो वापस आएगा. क्योंकि हम छोड़ नहीं सकते, अटैचमेंट छोड़ तो सकते नहीं है. तो अटैचमेंट किस चीज से होना चाहिए, ये तो अपन डिसाइड कर सकते हैं. तो लास्ट में, जैसे बोलते हैं ना, लास्ट लास्ट इंप्रेशन आपका क्या था, मतलब लास्ट में क्या हुआ, कि अब वो खुशबू खुशबू के पिताजी हरिश्चंद्र घाट पे और काशी में जा रहे थे, तीर्थ यात्रा के लिए काशी जा रहे थे, और काशी जाते जाते वहां पर उनकी समाधि हो गई, और समाधि हो गई तो वहीं पर हरिश्चंद्र घाट में उनको ले जाके उनकी क्रिमेशन भी हो गई. किसी को पता ही नहीं किसने की क्रिमेशन, शंकर भगवान खुद ही आए होंगे. पर बचपन से वो सोचते होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा सोचा होगा कि ऐसी ऐसी गति प्राप्त हुई कि ना, दो बच्चे और भाई बहन सब होते हुए किसने उनको अग्नि दी. तो कितना डिटैचमेंट होगा उनको कि अग्नि देने के लिए भी बेटे की जरूरत नहीं, ठीक समझी होगी. सो ये तो ठीक कि ये लास्ट लास्ट में, ये नहीं, ये पिछली बार भी बोला था कि आपकी मृत्यु कैसे हो रही है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. उससे पूरे जीवन का दर्शन पता चलता है, किस हालत में, किसके साथ, किस किस जगह पे आपकी मृत्यु हो रही है, ये उस चीज का, दिस विल शो यू हाउ यू हैव लिव्ड, दिस विल बी अ विंडो इनटू योर लाइफ. अब जैसे हम लोग बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, आज भी जो दोस्त थे अपने कॉलेज में या स्कूल में, अब तो वो साथ नहीं रहे, और जब और बूढ़े हो जाएंगे तो बच्चे तक साथ नहीं रहेंगे, कोई भी साथ नहीं रहेगा. जो आपकी नेटवर्क है वो तो चेंज होता रहता है ना उम्र के साथ. और जो लोग हैं आसपास वो भी चेंज होते रहते हैं, कि पहले बच्चे थे, फिर बहुएं आ गई, फिर बहुओं के साथ पोते नाती, ये सब, मतलब सब चेंज हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है. तो जब तक आप जाओगे, आपको जानने वाला कोई नहीं रहेगा, जिससे आपने बचपन में बात की थी वो कोई नहीं रहेगा. रहेगा क्या, जिस जिससे ये आज भी हम जो चर्चा कर रहे हैं क्लास में, जब तक खुशबू के जाने का टाइम होगा, और 80 साल के बाद, है ना, 120 जीना है बेटा, 80 साल के बाद जब इसके जाने का टाइम होगा तब कौन रहेगा. पर आपके जाने के अंदाज से लोग बिल्कुल ये पता लगा सकते हैं कि आपने जीवन कैसा जिया, कहाँ आपकी गति हुई, कहाँ आप गए, कैसे गए.
अब चाहे हम गांधी जी को कितनी भी गालियां दिए, देते ही रहते हैं कि देश बंटवारा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, देते हैं। मगर जब वो गए, चलो वायलेंट डेथ हुई, मगर मुंह से तो राम ही निकला ना, हे राम करके ही गए ना, संत तो थे ही। सो आपकी गति, जो आपका जाने का टाइम है, दैट इज अ वेरी नाइस विंडो इनटू हाउ यू लिव्ड। और जो चीजें आप पकड़ के जिएंगे, उन्हीं के साथ मरेंगे और उन्हीं के साथ दोबारा पैदा होंगे। जो सबसे प्यार करते हैं आप, जो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वो एंड लास्ट टाइम में वो रहेगी साथ में। और कोई आम और अचार अगर आपको प्यारा है, तो आम और अचार के लिए तो आत्मा भटकेगी, है ना? और अगर राम प्यारा है, तो वो आपको लेके चले जाएंगे, या गुरु से प्यार है तो वो आपको आगे लेके चले जाएंगे, तो आप अटकोगे नहीं वहां। तो प्यार उन चीजों से करना चाहिए जो आखिरी वक्त में भी आपका साथ दे पाए। प्यार उन चीजों से करना चाहिए जो आखिर में, बच्चे से प्यार करोगे, बच्चा होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। प्यार उस चीज से करना चाहिए जो आखिरी वक्त में भी साथ दे। गुरु से करो, ज्ञान से करो, जैसे खुशबू ने बोला, किताब से कर लो, जो आपकी पूजा की किताब, उसी से प्यार कर लो, बहुत अच्छी रिलेशनशिप हो सकती है, उसी में भगवान के दर्शन हो जाए। कहानी सुनाई थी ना मैंने, याद है किसी को? रहता संत गए थे एक बूढ़ी औरत के पीछे, उसने अपनी पोथी खोली रामचरितमानस की, और उसमें से राम जी निकले और गुड़ खा लिया उन्होंने। सो नॉट ओनली लास्ट इम्प्रेशन बट ऑल्सो लास्टिंग इम्प्रेशन फॉर श्योर। तानिया घर पहुंच गई बेटा, नहीं? हाँ बेटा, पूछो। दीदी, मेरा एक क्वेश्चन ये है, जैसे अगर, जैसे हम बहुत सुनते हैं, हाँ मैं बहुत दूर हूं, पर अगर कभी भगवान जी सामने आ गए तो जैसे पहले ना, मैं शिव जी की बहुत, मुझे शिव जी बहुत प्यारे लगते थे, और इधर में स्पेशली आफ्टर द ट्रिप आई एम वेरी वेरी मच अट्रैक्टेड टू ललिता माँ, एंड आई कंटिन्यूसली विजुअलाइज, अगर माँ सामने आ जाती है तो अगर माँ कुछ बोले कि तुम्हें क्या चाहिए, और मैं उनको बोलूँ कि मुझे अपना सेवक बना लो, इज दैट द राइट विश? राइट और रॉन्ग कुछ नहीं होता बेटा, अपनी बुद्धि के हिसाब से आप जो बोलना चाहो आप बोल सकते हो, राइट रॉन्ग कुछ भी नहीं। जब बुद्धि रिफाइन ओके होगी, तुम यार मेरी सेवा करने लायक नहीं हो, माता की सेवा कहाँ करोगे? सोचो, राइट राइट दीदी, है ना, कितना भाग पाओगे, कितना सोना छोड़ पाओगे, कितना खाना छोड़ पाओगे, कैसे करोगे? भगवान की सेवा मिल जाए तो कैसे करेंगे, हम तो लायक ही नहीं है। राइट दीदी, मैं सिर्फ उसको न्यूट्रलाइज कर रही, तेरे थॉट को न्यूट्रलाइज कर रही हूँ, अच्छा बुरा नहीं बोल रही, राइट राइट? डोंट ट्राई एंड अटैच योरसेल्फ टू एनीथिंग, ये अच्छा है या ये अच्छा है। जैसे पिछली बार मानवी ने बोला कि किसी ने ठाकुर बाड़ी में जाके धोखा के प्राण चले गए उनके, तो ये बहुत अच्छा है ऐसा सोच, ये कोई ग्रेडेशन नहीं है। अब आप बता रहे हो आपके पिताजी हरिश्चंद्र घाट पे गए, तो ये क्या खराब है? मुक्ति का द्वार है, स्वर्ग का द्वार है। सो इसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं, इंडिविजुअल है। ओके मेरे हिसाब से तो मैंने पिछली बार एक क्लास में गाना सुनवाया था, इसी क्लास में सुनवाया था ना, यस मेरे दीदी, हिसाब से तो भगवान ना ही आए तो अच्छा है, दूर से ही हम प्यार करते रहे। अगर मिल जाएंगे तो हमसे गुस्ताखी हो जाएगी, है ना? अगर सामने आ जाएंगे तो गलती पक्का होगी, गारंटीड। मुंह खोलेंगे तो उल्टा ही खोलेंगे, गारंटीड, क्योंकि हमें बोलने का सबक सलीका ही नहीं है।
ना किसी ने सिखाया बोलना, ना हमने सीखा, हमें सलीका ही नहीं बोलने का। भगवान आप दूर ही रहो, यहाँ मत आओ, यहाँ बहुत गंदगी है। मेरे अंदर भी, मेरे बाहर भी, मेरे मन में भी बहुत गंदगी है। सेवक क्या बुलाओगे, मैं तो किसी लायक ही नहीं हूं। ललिता माँ की सेवा में कौन रहता है? दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, तुम कौन से हो उसमें से? मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ बेटा, आई एम जस्ट सेइंग कि देर आर मेनी अदर वेज ऑफ थिंकिंग। मैं तो बोलूंगी माता आना ही मत, यहाँ तो बिल्कुल रायता फैला हुआ है, तो सारे में ही किसी चीज का डिसिप्लिन नहीं है। आप वहीं बैठे रहो, विराजे रहो वहीं पे अपने अपने शानदार महल में। यहाँ पर क्या गंदी धरती पे आने की जरूरत नहीं है। मैं तो किसी काबिल ही नहीं हूं, मेरे सामने तो बिल्कुल ही मत आना। जस्ट अनदर वांटेज पॉइंट, जस्ट अनदर थॉट, यू थिंक लाइक दैट। अरे रोने की क्या बात है इसमें, रो क्यों रही है? नहीं, मैं रोने नहीं हूँ। अच्छा, रोनी शक्ल बना ली, ठीक है। तो कोई भी, पहली बात, किसी भी चीज का जजमेंट ना करें आप, है ना, कि ये अच्छा है या ये। अब आप उसको फाइन ट्यून करते रहो अपने डायलॉग को, कि माता अगर आ ही गई तो पहले तो उनसे लड़ाई कर लो आप। अब आए क्यों यहाँ पर इतनी गंदगी में, अब वापिस जाओ। या तो मुझे लायक बना दो कि मैं रिसीव कर सकूं, तब तो आओ, वरना आप आ ही क्यों रहे हो? एक परसेंट भी मेरे को गारंटी नहीं है कि मैं कुछ भी ठीक कर पाऊंगी, तो इसलिए अभी मत आओ। जब तक इसको 100 नहीं कर दो ना, तब तक मत आओ। ठीक है बेटा, इसका जी दीदी, मतलब ये नहीं है कि आप मत सोचो कि माता आ जाए या माता आ जाए। दर्शन करो दर्शन। अब तुम कैलकटा में पढ़े बड़े हुए, तो एक रामकृष्ण परमहंस जी की कहानियां याद रहती हैं, तो वो उन्हें सारे टाइम माँ को बुलाते रहे बुलाते रहे बुलाते रहे। हम तो बोल रहे जाओ यहाँ से, चले जाओ, मत आओ, बहुत गंदगी है। ये दूसरा वांटेज पॉइंट। पर इसमें से कौन कौन भक्ति ठीक है, ये जज कर सकते क्या? तो ये जजमेंट निकाल दो बेटा अपने अंदर से, ये ठीक है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। जो गोली से मरा वो बेकार था, और जो बेड में मरा वो अच्छा था, या ना, ये सब बेकार का जजमेंट है। तुम अपने लिए खुद डिसाइड करो। अब तो दोबारा नहीं सोचेगी माँ की सेवा करने की, फॉर श्योर। जी वैसे मानवी ने तो पूरा थॉट ही ड्रॉप कर दिया, ठाकुर बाड़ी में जाके धोख लगा के मानवी का पूरा थॉट ड्रॉप हो गया। नहीं, मन की जो वासना है, जो क्लेश है, जो गंदगी है ना, जिसमें हम ये सारे विचार लाते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करना मेरा काम है। एक सत्य है, उसकी तरफ बढ़ो, और ये सब अपनी ड्रीमी जजमेंट छोड़ दो। अच्छा कुछ नहीं माँ, होगा, जो रावण ने किया ना वो बेस्ट था। पहले भगवान के लिए घर बनाया, और उसके बाद बोला भगवान यही दे दो मुझे, इसमें रहूंगा मैं। गलती क्या है? परम भक्त है भगवान का, तो जजमेंट नहीं बेटा। क्या तुमने मुझसे पूछा क्या ये ठीक है, मैं उसका जवाब दे रही हूं। उनसे मार्गदर्शन के लिए नहीं बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं, तुम कौन से मार्ग पे हो ये भी तो पता चले, दर्शन कहाँ का चाहिए। वो नहीं, तो वही तो कह रहा, वो डिसाइड करेंगे ना। वो कहेंगे तुझे तो कुछ पता नहीं है,
लेट मी जस्ट पुट यू इन अ राइट ट्रैक. वो था ना आदमी जो डूब रहा था, पहले भगवान ने मछली भेजी, एक लॉग भेजा, फिर नाव भेजी, फिर पूरी शिप भी भेज दी। उसने कहा भगवान बचाएंगे, मार्गदर्शन करेंगे, है ना? तो ऐसे आदमी का क्या करा जाए? माँ के पैर पकड़ पैर पकड़ लो. लो, ये भी सही है। ऐसा बोला जाता है, माँ के पाँव की धूल के एक कण से, एक कण की ग्रीस से ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं, और शिव शिव जी सृष्टि का संहार उस कण की धूल एक कण से। पांव तक तो कहाँ पहुंच पाएंगे? मतलब हाई होप सचिन, तुम तो वो टेढ़े चंद्रमा हो जो सोचते हो कि टेढ़ा होने के बावजूद भगवान शंकर सर पे रख लें। वेरी चल ठीक है। इमेजिनरी ड्रीमी. मेरे तो ड्रीम्स की कोई लिमिट ही नहीं ठीक है. है, नहीं बहुत अच्छा है, ये सोच बहुत अच्छी है, सब सोच बहुत अच्छी है, पर जजमेंट अच्छा नहीं होना चाहिए। ये जजमेंट नहीं होना चाहिए बेटा, जहां जजमेंट आता है ना वहां मुझे दुख होता है। मेरे को लगता है आई एम फेलिंग, दैट व्हाई आर यू गाइस स्टिल जजिंग, दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, दिस इज गुड एंड दिस इज लेस गुड, और दिस इज नॉट गुड। देर इज नो जजमेंट, एवरीबॉडी इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट। हाउएवर आई हैव सेड ऑल ऑफ दिस दैट मे बी आई डाई डिजीज्ड इन अ बेड विद बेड सोर्स, हु नोस, किसने देखा। यथा योग्यम तथा कुरु, जैसी जिस जैसे हम हैं, जिस तरह की योग्यता है वैसे हमें मुक्ति भी मिले, वैसे शांति भी मिले, वैसे मार्गदर्शन भी मिले, वैसे लाइफ भी मिले। और जैसे सचिन ने बोला, योग्यता माता बढ़ाते रहना, किसी लायक तो कर दो ना। किसी चीज का डिसिप्लिन नहीं है, योगा हमसे होता नहीं है, खाना हमसे छूटता नहीं है, पढ़ाई हमसे होती नहीं है, बचपन से सुनते आ रहे हैं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, आज तक पढ़े क्या है? किसने नहीं सुना बचपन में पढ़ लो पढ़ लो, हाथ खड़े करो, कौन ऐसा स्टूडियस था जिसने नहीं सुना है? किसने नहीं सुनी माँ बाप की ये बात, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ाई करो, क्या कर रहे हो, पढ़ाई करो, टीवी बंद करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई कर लो, एग्जाम आ रहा है पढ़ाई कर लो, तोते की तरह बोलते रहते थे पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, आज तक पढ़ाई की? उनके पढ़ लो बोलते बोलते जितना आधा पौना कान में गया उसी से आजकल जिंदगी निकाल रहे हैं, कुछ ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई नहीं की हमने। इतना पढ़ लो बोल के और हमने इतना सा पढ़ा, उससे पूरी जिंदगी निकल जाएगी। तो भगवान की तो प्रेरणा हो ही जानी चाहिए थोड़ी बहुत। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और मानवी, कुछ याद रहा पिछली बार से? एनीथिंग दैट यू टुक अवे? जी प्रणाम दीदी. तेरा बेटा। सेम थिंग कि जजमेंट नहीं करना है और दूसरा कि सोचना नहीं है, मतलब कि क्या अच्छा है क्या गलत है. अपने साथ जो जैसे जाना है और क्या नेक्स्ट जन्म में चाहिए उसके बारे में जरूर सोचना है. हमारे पास ले दे के चार पांच ही अच्छी चीजें हैं, ज्यादा नहीं है, बाकी हाँ सब तो बिल्कुल. बकवास है। आप एक एक हाथ पे गिन सकते हो अच्छी चीजें, सही है ना, एक हाथ पे। True. क्या है तानिया अच्छी चीजें बता? दीदी हमारी साधना, बस, और हमारे गुरु, चलो हमारा ठीक है मान लेते, धर्म, तुम्हारे पास वही सबसे बेकार गुरु है, कभी अच्छा ढूंढो तो तब कुछ मिलेगा। दूसरा तीसरा दीदी। मेरे लिए योगा, मेरे लिए योगा, योगा, वेरी गुड। मेरा चौथा, मेरा डिसिप्लिन, परफेक्शन ओके. करने की कोशिश, और पांचवा दीदी भाई भक्ति चाहिए, भक्ति और सरेंडर। हम्म.
तुम्हें अगली बार एक ननरी में पैदा कर देते हैं और वहां पर देश भूल गई। हाँ जो भूल गई सो गई। मैंने देश को बाय डिफॉल्ट ही वो कर लिया था, क्योंकि देश तो मुझे तो गंगा जी के पास तो चाहिए ही चाहिए, तो वो मैं बाय डिफॉल्ट वो मैंने सोचा कि ये तो है ही, इसके बाद क्या। दैट्स लाइक दैट वाज माय स्टार्टिंग पॉइंट कि तो गंगा जी के आसपास वो भी भटकते हैं ना सारे फिरंगी, वो उसमें से भी तो बन सकते हो तुम, वो जटा वटा बना के फिरंगी घूमते हैं, तुमने देखे होंगे, वैसा वाला बनना है। नहीं, बाकी सब कुछ मिल जाएगा तो वैसे वाला भी। जटाओं से प्यार अभी गया नहीं है दीदी, इसलिए आई एम नॉट जस्ट सेड फॉर द सेक ऑफ इट, तो दैट इज स्टिल आई हैव टू, बट या आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट दैट फॉर श्योर। लाइक यू नो वो है कि मन भटकता है तो वापस काइंड ऑफ So there are very few things like I put Tanya on the spot because Manvi couldn't be on the spot. So तो कितनी चीजें हैं, चार पांच चीजें हैं जो हम अच्छी करते हैं पूरी जिंदगी में से, पूरी जिंदगी में से चार पांच ही चीजें हैं जो हम अच्छी करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत जो दान करते हैं, थोड़ा बहुत उपवास करते हैं, थोड़ा बहुत जो साधना करते हैं, थोड़ा बहुत योगा प्राणायाम जो भी करते हैं, बहुत थोड़ी सी चीजें हैं, चार पांच मैक्सिमम दो हाथ पे गिन सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। So, ये अगर हम पांच चीजें पक्की कर लें और बार बार उस पे वापस आते रहे दिन में, बाकी सब जो थॉट्स हैं उनको कम कर दें और इनके थॉट्स बढ़ा दें, तो ये राग पक्का हो जाए, ये वैली पक्का बन जाएगी, तो फिर हर बार जब जीवन आएगा यहीं से गुजरेगा, जो डीप वैली बन जाए वहीं से मेरा जीवन दोबारा दोबारा गुजरे, चाहे पानी में मैं कहीं भी गिरूं उसी वैली में आके फिर मिलूं, क्योंकि जन्म तो कहीं भी हो सकता है, उसका तो कोई गारंटी नहीं है, जैसे तान्या ने बोला ना, तो वो फिरंगी भी चलेगा जटाओ, कम से कम गंगा किनारे तो बैठा है। ठीक है बेटा, सो फर्स्टली जजमेंट, जजमेंट नहीं, ये पूरी हम रामचरितमानस की क्लास कर रहे हैं, इसमें जजमेंट नहीं है। जैसे जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि रामचरितमानस पांच चरित्र हैं, पांच कौन से, राम जी का चरित्र, शिव जी का चरित्र, भरत जी का चरित्र, हनुमान जी का चरित्र और काकभुशुंडी जी का चरित्र। मेन ऐसा बोला गया है कि पंच चरित्र है, मगर ऐसा है नहीं, चरित्र और भी हैं, जैसे कि सीता माता का चरित्र है ना। सो राम जी और सीता हालांकि अलग नहीं है, मगर चरित्र तो उनका भी है, राम जी का चरित्र, सीता जी का चरित्र, बिना उमा के शंकर क्या करेंगे, जब माता पूछेंगी ही नहीं कहानी के लिए तो शंकर क्या करेंगे। So, शंकर का चरित्र, शिव जी का चरित्र और उमा जी का चरित्र, भगवती का चरित्र, भरत जी और हनुमान जी तो अलग एक दूसरी ही श्रेणी, और काकभुशुंडी जी, ये तीन भक्त हैं, ये भक्तों की श्रेणी में चरित्र, चरित्र फिर साधुओं का चरित्र है, इतने सारे साधुओं का चरित्र है ना, शुरू से शुरू होता है विश्वामित्र जी का चरित्र, और बहुत सारे सारे साधु ना, पूरे अरण्य कांड में साधु ही साधु, इतने सारे साधु, तो बहुत सारे साधुओं का चरित्र, और आखिर में
रावण का चरित्र और मंदोदरी का चरित्र। तो बोलो पहले, जो सूक्ष्म सोच रखते हैं वो बोलते हैं कि पांच चरित्र हैं रामचरितमानस में, जो विस्तार से सोचते हैं वो बोलते हैं नौ चरित्र, और चरित्र बहुत हैं। केवट का चरित्र अलग है, शबरी का चरित्र अलग है, अहिल्या का चरित्र अलग है, बहुत चरित्र है, महाराज जनक का चरित्र अलग है, चरित्र ही चरित्र है। तो स्पेशली रामचरितमानस में जजमेंट नहीं करना। जब मंदोदरी जैसी पत्नी रावण की पत्नी हो सकती है, तारा जैसी पत्नी, किसकी पत्नी थी तारा, किसी को पता है? बाली की। तुम्हें सब लगता है तुम्हें पूरी कहानी पता है, इतनी सी बात नहीं पता। जो पंच कन्याएं हमारी, पंच कन्याओं में ये दोनों कन्याएं आती हैं, मंदोदरी और तारा और अहिल्या, ये तीन कन्याएं आती हैं रामायण से, और दो कन्याएं आती हैं महाभारत से, कौन सी? कुंती और द्रौपदी। इसका पूरा श्लोक है, सुबह सुबह पांच कन्याओं का ध्यान करना चाहिए। श्लोक गोस, अहिल्या द्रौपदी कुंती तारा मंदोदरी तथा पंच कन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनी। जैसे हम नदियों का स्मरण करते हैं, वैसे पंच कन्याओं का भी स्मरण करना चाहिए। ये पांच कन्या है, क्या श्लोक है? अहिल्या द्रौपदी कुंती तारा मंदोदरी तथा पंच कन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशिनः। कौन कौन सी है पंच कन्या? लाइन से, अहिल्या द्रौपदी कुंती तारा मंदोदरी तथा, अहिल्या द्रौपदी कुंती तारा मंदोदरी तथा, अहिल्या द्रौपदी कुंती तारा मंदोदरी तथा। ये वो लोग हैं, अगर ध्यान से इनका इनको देखा जाए, बहुत ध्यान से, मतलब इसे वेरी गुड बात है ये, और शायद कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन भी होगा जब हम इसको पब्लिकली डालेंगे, मगर ये बहुत गुड़ बात है कि अहिल्या, अहिल्या आपको सबको पता है क्या हुआ अहिल्या के साथ, किसकी पति थी, पत्नी थी, गौतम ऋषि की पत्नी थी, और क्या हुआ इंद्र के साथ, उपभोग हुआ, या शी वॉज कॉट हैविंग सेक्स विद इंद्र, बाय हु? बाय हर ओन हस्बैंड, मगर इंद्र ने उनको छला और वो गौतम ऋषि का वेश बना के आए थे। तो सतीत्व भंग हुआ? सतीत्व भंग नहीं हुआ, राम जी ने उनको, सतीत्व भंग नहीं हुआ, माता का दर्जा दिया है उसके पास। दूसरी कन्या कौन? अहिल्या द्रौपदी। द्रौपदी एक पति की जगह पांच पतियों की पत्नी। अब ये सती कैसे कहला सकती है, पांच पतियों की पत्नी? पर इनका भी सतीत्व है, एक बार में एक ही साथ, एक ही के साथ उपभोग, और हर बार देव कन्या की तरह से शी वुड कम बिकम एब्सोल्यूटली प्योर, एवरी टाइम शी वुड बिकम एब्सोल्यूटली प्योर। ये उनका सतीत्व था द्रौपदी का। देन अहिल्या द्रौपदी, तीसरी कुंती। कुंती का क्या? कुंती
कुंती किसकी पत्नी थी बताएं, किसी को पता है? वेरी पांडु। गुड, कुंती पांडु की पत्नी थी और पांडु को श्राप था कि ही कुड नॉट मेक आउट, लाइक ही कुड नॉट हैव सेक्स, ही कुड नॉट हैव इंटरकोर्स। तो अब ये तो हमें पता नहीं कि ये देव प्रेरणा से जो पांच पांडव हुए ये कैसे हुए, राइट? इट्स वेरी हार्ड टू से हाउ दे वर कंसीव्ड एंड रिसीव्ड, मगर ऐसा ये भी सोच सकते हैं कि शायद कुंती भी ऐसे सांसारिक दृष्टि से सती जिसको बोलते हैं हम, वो सतीत्व कन्या या पति धर्म का पालन, ऐसा तो नहीं है क्योंकि बच्चे किसी और के साथ हुए और फिर भी उनका महत्व है। कुंती भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त थी इन सब में। जब भी अर्जुन को कुछ याद दिलाना होता था तो भगवान क्या बोलते थे, कौन्तेय कौन्तेय, याद है? भगवत गीता की क्लास जो अटेंड करते हैं उनको याद होगा, जब मैंने आपको ध्यान श्लोक पढ़ाया था तो बार बार कौन्तेय करते हैं भगवान, परम भक्त, और सती का दर्जा मिला। फिर अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, फिर तारा मंदोदरी। संबंधों मंदोदरी, मंदोदरी अपनी इच्छा के विरुद्ध रावण से शादी करी। उनकी इच्छा नहीं थी रावण से शादी करी, पर ऐसी परिस्थिति थी, उनके माँ बाप को रावण ने जब परेशान किया और बोला कि या तो शादी कर दीजिए या तो ये इसको मैं लेके जाऊंगा, तो उन्होंने माँ बाप के लिए अपने आप को रावण की सेवा में समर्पित किया। और जब रावण की मृत्यु हो गई तब मंदोदरी की शादी विभीषण से हुई। मंदोदरी की शादी विभीषण से हुई, तो भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि भाई ये सही है क्या? सेम थिंग हैपेंड विद तारा। जब बाली की मृत्यु हो गई तो सुग्रीव के साथ तारा की शादी की गई। सुग्रीव की दो पत्नी है, तो ये है पंचकन्या। जो कि वंदनीय है, जो सुबह सुबह हमें याद करनी चाहिए। तो कितना सतीत्व होगा इनका कि जो सामाजिक, जो सोशल व्यू पॉइंट है उससे, या सोशल नॉर्म है, हम बोल रहे जजमेंट नहीं करना चाहिए, जो सोशल जजमेंट है उसके अगेंस्ट उनकी लाइफ गई, किसी परिस्थिति की वजह से, किसी रीजन की वजह से उनकी लाइफ उससे बिल्कुल उल्टी गई है जो सोशल नॉर्म है कि भाई एक आदमी, एक घर, एक परिवार, एक 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 ही से निष्ठा, बिल्कुल उल्टी गई है। पर अपने संयम से, अपनी भक्ति से, अपने धर्म से उल्टी होने के बाद भी ये सीधी चली, मतलब उल्टी होने के बाद भी ये वंदनीय है। तो अगर आपको रावण का एग्जाम्पल नहीं समझ में आता तो ये एग्जाम्पल समझ लीजिए, जजमेंट किसी चीज में नहीं होना चाहिए। एक बार, ये कुछ समय की ही पहले की बात है, कि
विवेकानंद, पता है ना आपको, विवेकानंद जी को किसी राजा ने आमंत्रित किया। अभी ये प्री जस्ट प्री पोस्ट इंडिपेंडेंस या नॉट वेरी मेनी इयर्स अगो, रॉयल्टी वॉज स्टिल वेरी मच इन प्लेस। तो राजा ने आमंत्रित किया, तो अब उनको ऐसी प्रेरणा हुई, राजा को ऐसी प्रेरणा हुई कि इनके इन हिज वेलकम वी विल प्रेजेंट अ डांस। और इस समय में आज भी जो हमारे घरों में भी एक्चुअली डांस को अच्छा नहीं मानते। ये किसका काम होता है ना, देवदासियों का काम होता है। ये अच्छे घरों की लड़कियां डांस नहीं करती, स्पेशली नॉर्थ में ऐसा विचार है। और काफी टाइम तक ये देवदासी प्रथा भी हमारे यहाँ रही है। सो अगर आपने डांस ऑर्गेनाइज करना है तो देवदासी को ही बुलाना पड़ेगा। तो देवदासी बुलाई गई, और देवदासी को बोला गया कि विवेकानंद जी के स्वागत में आपको डांस करना है। तो बड़ी खुश कि मतलब वरना तो संत कहाँ मिलेंगे, देवदासी को संत किधर देखने मिलेंगे। तो बड़ी खुश, उसने तो वो तो बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन की, बहुत खुश हुई कि अब मेरे को स्वामी जी मिलेंगे, और बहुत खुश थी। पर जब स्वामी जी आए और उनको पता चला कि देवदासी डांस करेगी, तो उन्होंने राजा के ऊपर बहुत गुस्सा किया। बोला, आपको पता नहीं है मैंने संन्यास दीक्षा ली हुई है, ये क्या बदतमीजी है। और उन्होंने दरवाजा अपना बंद करके अपने कक्ष में चले गए। जब देवदासी आई और उन्होंने खाली सीट देखी, तो राजा से पूछा, भाई क्या हुआ, व्हाट इज द रीजन दैट दिस सीट इज एम्प्टी। सो राजा ने बताया कि वो तो सन्यासी हैं, तो उन्होंने उनको ये प्रयोजन ये प्रोग्राम समझ में नहीं आया, तो इसलिए वो अपने कमरे। तो वो बोली, अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जैसे जैसे उनको ठीक लगे ना वैसे ही आप उनको कुछ मत बोलिएगा, आप आने को मत बोलिए, कुछ मत बोलिए। सबने सुना होगा एक मीरा जी का भजन है, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त ना धरो। सबने सुना है, किसी ने नहीं सुना, ऐसा कोई है जिसने नहीं सुना प्रभु जी मेरे? और नहीं सुना है तो प्लीज, मीरा नाम की एक मूवी है, हेमा मालिनी उसमें एक्ट्रेस है, आज रात को लगा के देख लेना, कोई हर्ज नहीं है, ये राग बहुत अच्छा है। उन्होंने इस भजन पे, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त ना धरो, पूरा डांस की। एक हमारे भजन में क्या होता है, एक अंतरा होता है, एक मुखड़ा होता है, मुखड़ा अंतरा, गाने में भी ऐसा ही होता है, मुखड़ा प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त ना धरो, फिर आगे अंतरा आएगा। एक अंतरे के बाद स्वामी जी ने दरवाजा खोल दिया। एक अंतरे के बाद स्वामी जी ने दरवाजा खोल दिया कि मैं इतने साल से वेदांत बोल रहा हूं, समदृष्टि बोल रहा हूं, और मुझे समदृष्टि आई नहीं माता, तुमने सिखा। ये जजमेंट ना जाते जाते जाता है स्वामी विवेकानंद का भी नहीं गया। उनको भी लगा कि ये तो देवदासी है। इतना वेदांत करके पढ़ा के सुन के, है ना, तो अगर हमारे अंदर है तो कोई गलती नहीं है, पर इसको साफ करना सबसे बड़ी प्रेरणा। ठीक राजे, जब हम जजमेंट साफ करके उतरेंगे ना इस क्लास में, तभी ठीक रहेगा, वरना ये रामचरितमानस किसी के अंदर नहीं जाने वाली। अहिल्या माता क्यों है, मंदोदरी सती क्यों है,
तारा पंच कन्याओं में क्यों है, कैसे पता चलेगा? तीन कन्या आती है इसमें। इनका सिर्फ सुबह सुबह स्मरण करने से आपके सारे पाप भूल जाएंगे। जजमेंट नहीं बेटा, ना अच्छे का ना बुरे का। डिसिप्लिन फॉर श्योर, पर जजमेंट नहीं। और कन्या का दर्जा ना, कन्या भी बहुत तरीके की कन्या होती है हमारे यहाँ। चार कन्या मेन मानी गई है सबसे सुंदर। नर कन्या सबसे आखिरी श्रेणी में, सबसे पहली श्रेणी में कौन? देव कन्या, अप्सरा, देव कन्या जो स्वर्ग लोक की कन्या है वो सबसे सुंदर। उसके बाद गंधर्व लोक की कन्या है, बहुत सुंदर। उसके बाद पाताल में नाग लोक की कन्या है, बहुत सुंदर। नाग कन्या सुना है ना आपने नाम, नाग कन्या बहुत सुंदर होती। और फिर नर कन्या। तो सुंदरता में ये जो पंच कन्या है ये सबसे उत्तम है के इंद्र ने अपना स्वर्ग छोड़ के अहिल्या के पास आए। रावण ने किसी की बात नहीं सुनी, मंदोदरी की सुनता था, मानी चाहे नहीं मानी सुनता तो था। बाली भी एक बार को रुक जाता था जब तारा कुछ बोलती थी तो। ये बहुत सुंदर कन्या है, ये पांच कन्या है बहुत सुंदर है। और इनके चरित्र को ना जज करना तुम्हें सारे पापों से हटा देगा। अभी पता है ना मंत्र क्या है? मंत्र अहिल्या द्रौपदी कुंती मंदोदरी तारा तथा। क्यों क्यों ये किस लिए बनाया ना मंत्र? ये इसीलिए बनाया बेटा, अभी तो मैंने विश्लेषण किया कि जजमेंट नहीं। इनकी लाइफ ऐसी लगती नहीं है कि सीधी सीधी है, अच्छी अच्छी है, पर इनका भी स्मरण करने से सारे पाप खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जब इनका तुम भक्ति भाव से स्मरण कर पाओगे, कब कर पाओगे? जब जजमेंट तुम्हारे अंदर खत्म हो जाए। असलियत बता दी मैंने, अहिल्या कौन थी? जो इंद्र के साथ सोई है ना। द्रौपदी कौन थी? पांच पतियों के साथ सोई। कुंती कौन थी? पांच देवताओं के साथ सोई। मंदोदरी कौन थी? अपने पति के छोटी भाई से शादी की। तारा कौन थी? अपने पति के छोटे भाई से शादी की। अब इनको तुम पूजा कैसे करोगे? ये सत्य जानते हुए भी इनके सामने नतमस्तक कैसे होगे? नतमस्तक मतलब हाउ विल यू ब्रिंग योर सेल्फ टू पे ओबीएंस टू सच एंटिटीज इन योर साहित्य? हाउ विल यू डू इट? कोई रेवरेंस आ रही है इनके लिए? आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो उसको धीरे धीरे लाने से हमारे अंदर के सारे जजमेंट्स निकल जाएंगे। भगवान ने मुझे मेरी माँ के पास इसीलिए भेजा कि उसके सारे जजमेंट्स खत्म कर दूं।
माई नंबर एट मदर इज वेरी जजमेंटल, ये सही है ये गलत है, ये सही है ये गलत है, सही है ये गलत है। अब सोचो मेरे जैसे इंसान को ऐसी माँ मिल गई, ये सही है ये गलत है, मेरे ना कुछ सही है ना कुछ गलत है। हाँ जो जो उन्होंने कभी भी पकड़ा ना, ये सही है और ये गलत है, वो सब तोड़ दिया मैंने। बेचारी पकड़ ही नहीं पाती, क्या पकड़ूं अब। क्यों मम्मी, यहीं पे होगी कहीं, शी वॉज देयर। सही सही, फिर बोली सही। अच्छा बेटा, कुछ सही गलत कुछ नहीं होता, ये प्लीज हमारी रामायण शुरू होने से पहले अपने मन में से जजमेंट्स प्लीज निकाल, ये बहुत जरूरी है, दिस इज क्विंटेसेंशियल। प्लीज ट्राई योर वेरी बेस्ट टू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ जजमेंट्स, नॉट राइट नॉट रॉन्ग, जो भी है परफेक्ट है और जैसे हो रहा है वो ही ठीक है। एक बार एक संतों की सभा बैठी और सब संत यही चर्चा कर रहे थे कि भगवान जो करता है सब अच्छा करता है, सबको बनाया परफेक्ट बनाया, जैसे मैंने अभी बोला ना। तो एक आदमी थोड़ा सनकी था, तो उसने ना ढूंढा, बड़ी शिद्दत से ढूंढा। क्या ढूंढा? एक ऐसे आदमी को ढूंढा जो दिव्यांग, हैंडीकैप, हर तरह से हैंडीकैप, मुंह भी टेढ़ा मेढ़ा, आंख भी टेढ़ी मेढ़ी, नाक भी टेढ़ी मेढ़ी, सब टेढ़ा, कुबड़ा भी था, हंचबैक आल्सो, बिल्कुल एकदम कुरूप गंदा। तो संतों की सभा में उसको, आप बोल रहे हैं कि सब भगवान बनाते हैं, सब परफेक्ट बनाते हैं, देखो क्या जवाब दिया संतों ने पता है? भगवान तो सभी परफेक्ट बनाते हैं, सब परफेक्ट बनाते हैं, इसको इम्परफेक्ट बनाया तो वो भी परफेक्ट बनाया, इसको अगर कुरूप बनाया तो वो भी परफेक्ट बनाया। तो संत की दृष्टि अपने अंदर डेवलप कीजिए और हर चीज को समान भाव से, सम दृष्टि से देखना शुरू कीजिए। सम दृष्टि बहुत जरूरी है, अगर आपके अंदर सम दृष्टि आ जाए तो भगवान की भी सम दृष्टि आपके पास रहेगी। तो भगवान हमारे रामचंद्र जी तो एक ही खासियत है, सबको सम दृष्टि से देख, एक दृष्टि से देखते हैं, अच्छा बुरा कुछ किसी का नहीं देखते, सबको एक दृष्टि से देखते हैं। तो अगर हमारे अंदर सम दृष्टि आ जाएगी तो भगवान भी हमारे ऊपर सम दृष्टि रखेंगे, वरना हमारे अंदर तो इतने पाप हैं, इतने पाप हैं, इतने पाप हैं, गलतियों का पहाड़ है, भगवान हमारे पास क्यों आएंगे? बिल्कुल दर्शन नहीं देने चाहिए, मगर हमारे सम दृष्टि वाले भगवान हमारे पास आ सकते हैं अगर हम सम दृष्टि रखें। ये सम दृष्टि मूल मंत्र है, ये पहली चीज है, ये पहली सीढ़ी है जिसको चढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक, एनी क्वेश्चंस? और गलती किसी की नहीं है, मेरा काम बार बार याद दिलाना है। अगर कोई उल्टी चीज कोई बोल देता है, कोई जजमेंट कर भी देता है, इसमें गलती कोई भी नहीं है। जैसे मैंने कहानी सुनाई ना, स्वामी विवेकानंद जी से भी हो गई ये भूल, वेदांत के आचार्य रामकृष्ण परमहंस के शिष्य से भी ये गलती हो चुकी है। तो अगर आपसे और मुझसे हो जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर जहां तक मुझे दिखेगी वहां तक मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करूंगी। अच्छा कुछ है नहीं और खराब कुछ होता नहीं, ठीक है? और देर हो गई आज, मोनिका कुछ शुरू से सुना या एकदम एंड में ही आई, अभी आई?
सॉरी दीदी, मेरा एकदम से ध्यान से निकल गया टाइमिंग का. आई जस्ट लॉस्ट, आई डोंट नो वेयर आई एम लॉस्ट दीस डेज. आई थिंक आफ्टर लूजिंग माय जॉब आई एम लूजिंग माय Nothing कंप्लीटली. new about that. That always happens to you. थैंक यू. आई लिसन टू द रिकॉर्डिंग, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू यू नो जस्ट सी यू एंड व्हाटएवर पार्ट आई कुड कैच. Sure. It's good to see you too. Are you coming? I'm working on it, Didi. March, you said na, to March. I'll let you know. Yeah. Okay. Theek. All right. All right, guys. नमस्ते. 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 जय हो भगवान. थैंक यू अगली बार फिर दीदी. दर्शन नमस्ते. देना ब्राह्मण देव का. श्योर.